तो ये है मेरा डॉग रोमियो, और कुछ टाइम से रोमियो के बहुत ही ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, लिटरली गुच्छे गुच्छों में बाल निकलते हैं। और आई एम श्योर आप में से भी बहुत से ऐसे डॉग ओनर्स होंगे जो कि इस टाइम पे अपने डॉग के हेयर फॉल से बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे। लेकिन आखिर डॉग के इतने ज्यादा बाल झड़ने का रीजन क्या है, और इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि आपके डॉग के बाल घर पे हर जगह ना फैले रहे और धीरे धीरे कम होने लग जाए। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और एक डॉग ओन करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो डॉग के हेयर फॉल से कई ऐसे ओनर्स हैं जो कि परेशान रहते हैं, और खासकर वो ओनर्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जिनके पास लॉन्ग कोटेड डॉग ब्रीड्स है, जैसे कि जर्मन शेपर्ड, गोल्डन रिट्रीवर जैसी ब्रीड्स। बट आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखो, सोल्यूशन के बारे में जानने से पहले आपको रीजन पता होना जरूरी है। अभी के टाइम में बात करें तो डॉग के हेयर फॉल मोस्टली हो रहे हैं सीजनल चेंजेस की वजह से। जैसे जैसे ठंड से हम गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं, डॉग भी जो है अपने आप को गर्मियों के सीजन के लिए रेडी कर रहे हैं। जब ठंड आने वाली होती है तब डॉग के काफी घने बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मियों का सीजन आता है इनका अंडर कोट झड़ने लगता है, आउटर कोट रह जाता है, जिससे कि एयर अच्छी तरीके से पास हो सके और डॉग को गर्मी ज्यादा ना लगे। लेकिन जब घर में हर तरफ डॉग हेयर फैले रहते हैं, कपड़ों में बाल लग जाते हैं, घर में जब झाड़ू लगता है तो सिर्फ डॉग हेयर ही निकलते हैं, तो वो एक डॉग ओनर के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग टाइम हो सकता है। तो इस टाइम पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं जिससे आपके घर में बाल कम फैलेंगे और आपके डॉग के हेयर भी कम उड़ेंगे। सबसे पहला, अपने डॉग को रेगुलर ब्रश करो एवरी डे। ब्रशिंग से क्या होता है कि डॉग के जितने भी लूज हेयर्स होते हैं जो कि घर में उधर उधर बिखर जाते हैं या फिर कपड़ों में आके चिपक जाते हैं या फिर घर में ही उड़ते रहते हैं, वो लूज हेयर्स जो है आप पहले ही ब्रशिंग के थ्रू निकाल दे रहे हो ताकि वो घर में इधर उधर ना फैले। मेरा जो रूटीन है, मैं सुबह उठते ही अपने डॉग को वॉक करा के आने के बाद उसको ब्रशिंग करता हूँ, फिर उसके बाद जो है उसको खाना पीना देता हूँ। तो आप भी ये रूटीन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लॉन्ग फर वाला डॉग है जैसे कि जर्मन शेपर्ड या गोल्डन रिट्रीवर, तो उनमें काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है, बट एक मीडियम कोटेड डॉग ब्रीड के लिए आपको आराम से 10-15 मिनट आप उसको ब्रश करेंगे तो जितने भी लूज हेयर्स है वो सारे निकल जाएंगे। और अगर आपके पास ब्रश नहीं है डॉग के लिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अच्छे अच्छे डॉग ब्रशेस के, वहां से जो है आप परचेज कर सकते हैं, इजीली मिल जाएगा। तो अपने डॉग को डेली ब्रश करते रहिए जब तक उसके बाल झड़ने कम ना हो जाए। दूसरी चीज है डाइट और सप्लीमेंट। ये दोनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, नो मैटर अगर आपके डॉग के सीजनल चेंजेस की वजह से बाल झड़ रहे हो या फिर किसी तरीके का स्किन इश्यू हो, एलर्जी हो, उसकी वजह से बाल झड़ रहे हो, आपके डॉग के पेट के अंदर जो खाना जा रहा है उसको आप ठीक करके इन प्रॉब्लम्स को काफी हद तक कम कर सकते हो। डाइट में आप अपने डॉग के 1 चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हो, सर पे लगाने वाला कोकोनट ऑयल नहीं, मार्केट में कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल मिलता है, वो आप अपने डॉग को दे सकते हो 1 चम्मच डेली डाइट में, जो कि उसके कोट को काफी हेल्दी बनाने में मदद करेगा। कोकोनट ऑयल में कई तरीके के एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि डॉग के इची स्किन को, एलर्जीज को, स्किन इन्फेक्शन को रिकवर करने में मदद करता है और आपके डॉग के कोट को भी शाइनी हेल्दी बना के रखता है। इसके अलावा आप अपने डॉग के डाइट में मल्टीविटामिन्स जरूर ऐड कीजिए। अगर आपके डॉग के डाइट में विटामिन्स की कमी है कुछ, तो उसकी वजह से स्किन में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से बाल झड़ने लग जाते हैं। फिश ऑयल आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीविटामिन्स ऐड कीजिए। फिश ऑयल और कोकोनट ऑयल साथ में मत देना, दोनों में से कोई एक चीज आप दे सकते हो। तो मल्टीविटामिन्स जब आप अपने डॉग के डाइट में ऐड करते हैं तो उसके बॉडी में विटामिन्स की नीड पूरी होती है और बेवजह जो फालतू में बाल झड़ने लगते हैं किसी स्किन इश्यूज की वजह से या फिर किसी तरीके की एलर्जी की वजह से, तो वो चीजें कम हो जाएंगी। और हाँ, अगर आप अपने डॉग को घर का खाना देते हैं रोटी, तो कई डॉग्स जो है रोटी से एलर्जिक होते हैं, वीट से बनती है रोटी और वीट जो है डॉग डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। तो अगर आप अपने डॉग को रोटी दे रहे हैं और उसको स्किन प्रॉब्लम्स आ रही है, बॉडी में रेडनेस आ रही है, पाँव में पंजों में रेडनेस आ रही है, ईयर इन्फेक्शन हो रहे हैं, स्किन इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, पॉटी क्लियर नहीं हो रही है, तो उसे ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वीट से एलर्जी हो रही है, तो रोटी देना उसे बंद करो। आप उसे राइस दे सकते हो या फिर मल्टी ग्रेन रोटी दे सकते हो जिसमें वीट ना हो। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ जिसे काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि है प्रॉपर एक्सरसाइज। एक डॉग को उसके नीड्स के हिसाब से प्रॉपर एक्सरसाइज मिलना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए।
डॉग को जब एक्सरसाइज नहीं मिलती पूरी तरीके से, उसे एंग्जाइटी इश्यूज आने स्टार्ट होते हैं, स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। डॉग्स भले ही बोल नहीं पाते लेकिन उन्हें भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है, और जब डॉग को स्ट्रेस होता है काफी ज्यादा तो उसके बाल झड़ने लग जाते हैं। तो इस वजह से अपने डॉग को प्रॉपर एक्सरसाइज देना उसकी नीड के हिसाब से, आपके डॉग की एज कितनी है, उसका वेट कितना है, उसकी ब्रीड कौन सी है, उस हिसाब से उसको प्रॉपर एक्सरसाइज देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ तीन चीज़ें थी जो कि आप अपने डॉग के हेयर फॉल को कम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला, अपने डॉग को रेगुलर ब्रश करो अगर उसका शेडिंग सीजन चल रहा है तो। फिर उसके बाद उसके डाइट और सप्लीमेंट्स का अच्छा खासा ख्याल रखो अगर बेवजह उसके हेयर फॉल हो रहे हैं। और तीसरी चीज, अपने डॉग को प्रॉपर एक्सरसाइज दो जिससे वो खुश रहे और हेल्दी रहे। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके और वो लाइक बटन दबा के जरूर जाना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।